हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं साबुनीकरण, जिसको आप लोग सोपोनिफिकेशन के नाम से जाना किया करते हैं। और यह जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th की केमिस्ट्री में भी है और आपको देखने को मिलता है, जान लीजिएगा, 12th की केमिस्ट्री में भी। उसके अलावा ये कॉम्पिटिशन लेवल पे पूछा ही जाता है। तो सबसे पहली चीज सपोनिफिकेशन है क्या चीज, साबुनीकरण है क्या चीज, इसे हम जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बताने वाले साबुनीकरण क्या होता है, कठोर साबुन क्या होता है, मृदु साबुन क्या हुआ करता है, इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एकदम सीधा सीधा आपसे अगर कोई कहे साबुनीकरण क्या है, तो साबुन बनाने की क्रिया को ही क्या कहा किया करते हैं, साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। और जो साबुन हुआ करते हैं ये होते क्या है जानते हो, तो जो ये उच्च वसीय अम्ल हुआ करते हैं, इन्हीं उच्च वसीय अम्लों के क्या हुआ करते हैं, ये साल्ट हुआ करते हैं। और जो सोडियम से बनाए जा सकते हैं या पोटेशियम के साल्ट हुआ करते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या क्या हुआ करते हैं, पोटेशियम के क्या हुआ करते हैं, साल्ट हुआ करते हैं, साबुन जान लीजिएगा। और फिर अगली चीज आपको सबसे पहली चीज तो यही बताना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई कहे तो सामान्य रूप से आप यही कह सकते हो एकदम सीधा सीधा, साबुन बनाने की एकदम साफ साफ सही जान लीजिएगा क्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, साबुनीकरण कहा किया करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो एकदम देहाती भाषा में ही यही कहा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन। तो ये बात हमको ये समझना है कि साबुन बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिया जाता है तेल या क्या ली जाती है, वसा, जिसको आप लोग ऑयल्स और क्या कह सकते हो, फैट। और इसी की अभिक्रिया क्या की जाती है, क्षारक के साथ की जाती है। किसके साथ, क्षारक। अब क्षारक के रूप में NaOH भी लिया जा सकता है और KOH लिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अगर यहाँ पे NaOH लिया जाता है तो जो साबुन प्राप्त होता है वो सोडियम साल्ट का होता है, और अगर यहीं KOH लिया जाता है तो जो साबुन बनता है वो पोटेशियम का साल्ट होता है। और एक चीज ये बता देना, जो सोडियम साल्ट के साबुन होते हैं, सोडियम साल्ट से बने जो साबुन होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं साबुन को हम लोग कौन सा साबुन कहते हैं, कठोर साबुन कहते हैं। और कठोर साबुन का मतलब ही होता है जिसको आप लोग वस्त्र या कह सकते हो कपड़ा धोने वाला साबुन कहते हो। और एक चीज दूसरा अंतर क्या हुआ करता है, अगर यही जो पोटेशियम साल्ट से मिलकर के बना होता है, यही अगर आपके अभी तक समझ जा जाएगा आपको, अगर ये पोटेशियम साल्ट से मिलकर के बना होता है तो इसी को ही हम लोग कौन सा साबुन कहा करते हैं, मृदु साबुन कहते हैं। और मृदु साबुन को एक नाम से और हम लोग जानते हैं, नहाने वाला साबुन। कौन सा साबुन कहते हैं, नहाने वाला साबुन। तो ये चीज तो भी एकदम क्लियर होगी, आपकी डाउट एकदम जान लीजिएगा। तो लिया क्या जाता है, तेल और वसा। ये पुराने जमाने में से बना था, तेल और वसा लिया जाता था, मकुए का तेल लिया जाता था, सरसों का तेल लिया जाता था। आजकल और अच्छे अच्छे किस्म के तेल लिए जाते हैं, नारियल के तेल लिए जाते हैं, जैतून के लिए, चमेली के लिए जाते हैं, तो केवड़े के तेल लिए जाते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी के ऑयल्स होते हैं उतनी ही अच्छी क्वालिटी का सोप भी होता है। तो ये क्या हुआ करता है, तेल या वसा उसकी क्रिया क्षारक से करा देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, साबुन। और अगली चीज क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल। क्या बनता है भैया, ग्लिसरॉल बनता है। तो यही इसका एकदम एक छोटा सा क्या है, रिएक्शन। तेल या वसा की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा साबुन एवं क्या बनता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और इसी साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कर दिया कर देते हैं, साबुनीकरण कहा किया करते हैं। अगर साबुनीकरण का कोई एकदम सिंपल फॉर्म कहेगा तो यही है। और जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं तेल या वसा में अंतर, हाँ जी अंतर है। तेल जो हुआ करता है, अगर दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा करोगे तो ये तेल है और ये आपकी क्या हुआ करती है, वसा। इसको आप लोग कहा किया करते हो ऑयल, और इसको हम लोग कहा किया करते हैं फैट। आम भाषा में इसको हम लोग चर्बी भी कहा किया करते हैं। इसको तेल को आप ऑयल कहा किया करते हो, लेकिन फैट या वसा इसको हम लोग चर्बी के नाम से जाना करते हैं। अब इसे तेल हुआ करता है, ये ज्यादा करके प्रायः जो हुआ करते हैं ये किससे प्राप्त हुआ करते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तेल जो
हुआ करते हैं, ये प्रायः किससे प्राप्त होते हैं? वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, ये चीज दोनों में अंतर है। और ये आपको ध्यान दीजिएगा, यह प्रायः जो हुआ करते हैं ये आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? जंतुओं से। अब ऐसे जानवरों से क्या की जाती है, आपके दूध होता है उससे फिर क्या किया जाता है, उससे घी बन निकाला जाता है, वो एक प्रकार की फैट है, वो जानवरों से निकाली जा रही है। आप देखते हो बहुत से जानवरों के शरीर से चर्बी निकाली जाती है, तो जो वो चर्बी प्राप्त की जाती है वो भी एक प्रकार की क्या होती है, फैट हुआ करती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यह प्रायः क्या हुआ करता है, जंतुओं से क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में जान लीजिएगा। और एक डिफरेंस आपको और बता दे रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज होती है, कि जो तेल हुआ करता है ये जो लीजिएगा, ये सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जिसको 25 डिग्री सी कह सकते हो, ये सामान्य ताप पर क्या हुआ करता है, किस अवस्था में होगा सामान्य ताप पर, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं भैया, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और ये सामान्य ताप पर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी आपसे कोई तेल और वसा में अंतर भी बता दीजिएगा, ये सामान्य ताप पर ही किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहा करते हैं। अब इसमें जैसे आप कह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा होता है, जैसे नारियल का होता है, देखिए वो भी नॉर्मल में लिक्विड होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा रख दीजिएगा तो वो भी आपका कहने मतलब की फैट सॉल्व हो जाता है। तो ये तेल और वसा की बात आई थी, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका विजुअल तरीके से। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं भैया, इसको ध्यान दीजिएगा, आप जो बताने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करेंगे तो वो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि तेल जो हुआ करता है, कि फार्मूले जो हुआ करते हैं, थोड़ा ये बड़े टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसलिए थोड़ा इनका फार्मूला हुआ करता है। अब इसे पानी की एसिड हुआ करता है, उसका अगर हम फार्मूला देखते, ध्यान दीजिएगा, सही जा रहा हूं, CH2COCO17H5। तेल या वसा का फार्मूला थोड़ा लंबा सा है, लेकिन समझिए वही चीज बार बार रिपीट होती है। अब फिर CH2COCO17H5 जो लाइन है, मैं लाइन पूरी है लिखी गया, बस अंतर हाइड्रोजन बैलेंसिंग में जुड़ गया, और जो ऊपर लिखे हो वही नीचे फिर से उतार दो, CH2COCO17H5 यही है, जान लीजिएगा। ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा गया, ये फार्मूला किसका है, ये तेल या वसा का फार्मूला है, और ये तेल या वसा में जो फार्मूला है ये किसका है, पामिटिक एसिड का, या पामिटिक अम्ल का, जैसे स्टेरिक एसिड होता है C17H31 कर दीजिएगा, तो ये पामिटिक एसिड का है, किसका है भैया, ये पामिटिक एसिड का है, जान लीजिएगा, C17 है और ये कितना है, या C17H35 कह सकते हो, और ये नहीं अगर आपको कंफर्म हो रहा है तो आप एकदम सीधा सीधा कह दीजिएगा, इसको आप लोग तेल या वसा C17H35, ये क्या है आपका, स्टेरिक एसिड भी कह सकते हो इसको, तो यहां पे स्टेरिक एसिड, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा तेल या इसका फॉर्मूला है ये वसा, ओके। अब इसकी अभिक्रिया मैंने बताया क्षारक से की जाती है, क्षारक के रूप में अगर आप NaOH रखोगे यहां पे, तो आपको कौन सा साल्ट मिलेगा, सोडियम का साल्ट, तो ऐसे साबुन को कौन सा साबुन कहेंगे, कठोर साबुन। और अगर क्षारक के रूप में तुम यहां पे KOH रखोगे तो आपको मिलेगा पोटेशियम का साल्ट, और पोटेशियम वाले साल्ट के जो साबुन होते हैं, ऐसे साबुन को हम लोग क्या कहते हैं, मृदु साबुन या नहाने वाला साबुन। तो आप देखिए NaOH रखने चल रहा हूं, एक NaOH यहां लिया जाता है, तीन मॉलिक्यूल है, तीन NaOH लीजिएगा, एक यहां, थोड़ा लिखने की अपनी व्यवस्था है, अब जैसे यहां से प्लस भी कर दे रहा हूं, यहां पे भी ये क्या हो गया NaOH। आप देखिए इतना आसान तरीके से बता दे रहा हूं, आप अपने आप समझोगे, ये तेल या वसा हो गया और ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के रूप में लिया है तो अब आप जान लिए कि आपको कौन सा साबुन मिलने वाला है, कठोर साबुन। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अच्छा स्टाइल में लिखते हैं, देखिए यहां से पूरा ये देखिए पूरा एक साथ, ये साबुन का पूरा फॉर्म है, यहां से ये देखिए NaOH, ये पूरा CH2 छोड़ दीजिए यहां से, फिर और फिर ये पूरा ये देखिए एकदम बढ़िया साबुन बन गया। अब अगर आप देखेंगे तो CH2 इधर से पकड़िए और OH, फिर यहां से CH, यहां से OH, यहां से CH2, यहां से OH, ये पूरा तेल और वसा का फॉर्मूला था, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, और अब आपने जैसे इसको रिएक्शन करा तो देखा तो ये बीच वाला पार्ट है, ये आपस में जुड़ जाता है, ये ऐसा लिखने के लिए कोई सुविधा प्रदान करेंगे, ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा किताबों में रहता नहीं है, बता रहा हूं। अब देखिए होगा क्या, आपका
लिखिएगा यहाँ पे, इधर देखो सी एच टू ओ एच, तो यहां से निकल गया आपका भैया सी एच टू ओ एच, नीचे देखो सी एच और यहाँ से ओ एच, तो ये हो गया आपका सी एच ओ एच, और सबसे नीचे देखोगे तो आपका बचा क्या है सी एच टू और यहाँ क्या बचा है ओ एच। ये जो सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच और सी डबल ओ एच निकला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या है ये ग्लिसरॉल, इसको एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, ये ग्लिसरॉल है, और जो कंपाउंड अब बीच में बचा है वही साबुन है। उसको लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका यही है कि पहले सीधा कर लेगा, जैसे सी सत्रह एच पैंतीस, सी सत्रह एच पैंतीस, सी सत्रह एच पैंतीस, तीन मॉलिक्यूल है तो पहले ये तीन लगा दिया, और लगाए के बाद भैया सी सत्रह एच पैंतीस, क्योंकि तीन भाग था ना इसका, और फिर क्या बचा सी सत्रह एच पैंतीस, सी सत्रह एच पैंतीस, सी सत्रह एच पैंतीस, और फिर सी डबल ओ एन ए, यहाँ लिख दीजिएगा सी डबल ओ एन ए। अब जो ये बना है इसी का नाम होगा सोडियम स्टीरेट, क्योंकि स्टेरिक एसिड है तो ये जो बना है सोडियम है ना ये, और स्टीरेट, और सोडियम स्टीरेट जो है ये आपका किस प्रकार का साल्ट है, सोडियम का साल्ट है, और इसी सोडियम के साल्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे बताइए, कठोर साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे, कठोर साबुन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन, क्या कहा करते हैं इसको कपड़ा धोने वाला साबुन कहा किया करते हैं। तो आम भाषा में तो समझ में आ गया होगा, तेल या वसा की छार, तेल या वसा पर छारों की पारस्परिक क्रिया द्वारा साबुन एवं ग्लिसराल, चाहे लिखवा देख लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तेल या वसा पर वसा की छारकों से पारस्परिक क्रिया द्वारा, ध्यान दीजिएगा आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल लेवल पे तो बहुत बार पूछा गया है, और ये रीजन जान लीजिएगा आप, जाकर के चेक कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तेल या वसा की छारकों की पारस्परिक क्रिया से क्या बनाना, साबुन एवं ग्लिसरॉल, साबुन एवं ग्लिसरॉल बनाने की क्रिया को ही, साबुन एवं ग्लिसरॉल बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, साबुनीकरण कहते हैं, और एकदम सीधा सीधा रखा हुआ रहेगा तो आम भाषा में साबुन बनाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कर देते हैं, साबुनीकरण कहा करते हैं। अब बात समझ आई, रिएक्शन एकदम आसान है, सब लोग जान लीजिएगा। अब जैसे अगर आपसे जब भी पूछा जाता सोडियम सॉल्ट कैसा साबुन होता है, कठोर साबुन, पोटेशियम सॉल्ट का कैसा साबुन होता है, ये सॉल्ट है ना, ये जान लीजिएगा, ये अम्ल और क्षार से क्रिया के सॉल्ट बनता ही है। तो अब एक चीज आपको अगर कोई कहे कि अगर हम आपसे कहें नहाने वाले साबुन का रिएक्शन लिखिए, बस कुछ नहीं करना है, जहां यही अन्य ओएच एन ओएच रखे वही के ओएच कर देना, बाकी पूरा कार्यक्रम वही करना है। और अगर आप इस रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो कहीं जाने वाले की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ एकदम सीधा सीधा आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, आप बड़े आराम से लिख सकते हो, इसलिए इसको दोनों बताता हूँ आपको, दोनों इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना रहे। जैसे अभी आपने कठोर वाले का लिखा था, तो अब अगर हम आपसे कह दें मृदु साबुन बनाइए, कौन सा साबुन, मृदु साबुन, मृदु साबुन को ही हम लोग कौन सा साबुन कहते हैं, नहाने वाला साबुन कहते हैं। क्या कहा करते हैं, नहाने वाला साबुन कहा किया करते हैं। अब जब इसको बनाओगे तो ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा सी एच टू सी डबल ओ सी सत्रह एच पैंतीस, फिर वही पूरा काम तेल और वसा वही चीज, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे सी एच सी डबल ओ सी सत्रह और ये हो जाएगा एच पैंतीस, और फिर ये सी एच टू सी डबल ओ सी सत्रह एच पैंतीस, ये आपका फिर क्या बन गया, स्टेरिक एसिड। क्या है आपका, ये स्टेरिक एसिड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तेल या क्या कहोगे बोलो, वसा, तेल या क्या कहोगे, वसा। अब हमको याद रखना है कि मृदु साबुन बनाना है, और मृदु साबुन में सोडियम का साल्ट न लेकर के क्या लिया जाता है, पोटेशियम का साल्ट होता है, तो अब की बार यहाँ एन ओ एच नहीं रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, के ओ एच, क्या रखेंगे भैया, के ओ एच, फिर क्या रखेंगे, के ओ एच, एकदम आसान है यार। अब यहाँ पे क्या है, कास्टिक पोटास नहीं है, सॉरी कास्टिक सोडा नहीं है, कास्टिक पोटास है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हो, कास्टिक पोटास कहा करते हो। अब देखिए यहां से पूरा जैसे उसमें निकाले थे, पूरा ये भाग, पूरा ये भाग, और इसमें से ये पूरा भाग, देख रहे हो सब लोग, और अब उसके बाद क्या बचा बताओ, यहाँ पे बचा क्या आपका,
CH2OH, नीचे क्या बचा CHOH, फिर नीचे क्या बचा आपका CH2OH, और ये जो है यही आपका क्या है ग्लिसरॉल, क्या है आपका ये ग्लिसरॉल जान लीजिएगा। और जो बचा है वो साबुन है आपका, कैसे है साबुन देखिए, फिर वैसे एकदम लिखिएगा, काफी बच्चे लिख भी सकते हैं, जैसे कहें तो पहले तीन मालिकूल है, देखिए एक दो तीन, तो यहाँ पहले तीन लगा दीजिए ताकि बैलेंस भी रहे, तीन हो गया, और फिर ये सी 17 एच 35 और सी डबल ओ, और जहां सी एन ए था वही क्या हो जाएगा के? अब इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम स्टीरेन, क्या हो जाएगा ये आपका पोटेशियम स्टीरेन, और पोटेशियम स्टीरेन एक प्रकार का पोटेशियम सॉल्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं भैया मृदु साबुन कहते हैं। और आपको बता दे रहे हैं कठोर साबुन और मृदु साबुन में अंतर यही होता है कि कठोर साबुन में क्षारीय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उसको कपड़े से मैल साफ करना होता है, और मृदु साबुन में क्षारीय पदार्थ की मात्रा मतलब ये जो KOH वगैरह है इसकी मात्रा कम होती है, ये चीज ध्यान दीजिए। और मृदु जो कठोर साबुन होता है उसमें थोड़ा सेंटेड पदार्थ कम मिलाए जाते हैं, लेकिन जो मृदु साबुन होता है देखिए नहाने वाला साबुन कितना अच्छा समय आता है, कितनी चुस्की सेंटेड होता है, उसमें सेंटेड पदार्थ ज्यादा मिलाए जाते हैं, ये भी दिमाग में रखा करिएगा। और साबुन जो हुआ करता है करके आपको इसके बता देना इंस्ट्रक्शन भी है, अभी साबुन कैसे कपड़े को साफ करता है, तो साफ करते समय एक मिसल का क्या करता है ये निर्माण किया करता है, और साबुन को मृदु साबुन के मृदु जल में ही उपयोग होता है, कठोर जल में थोड़ा इसकी झाग कम बनता है, इसीलिए जान लीजिएगा साबुन जो होता है वो हर जगह उपयोग में नहीं है, अब उसके स्थान पे हम लोग किसका उपयोग करने लगे हैं डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं जिसको आप लोग अपमानजनक कहते हो, इन सब चीजों के बारे में बाद में बताएंगे। एकदम सीधा सीधा आज हमने साबुनीकरण बताया, साबुन कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार के आपके होते हैं, एक कठोर साबुन एक मृदु साबुन होता है, सोडियम साल्ट जो हुआ करता है उसको हम कठोर साबुन कहते हैं, और जो पोटेशियम साल्ट से बने साबुन होते हैं उसको मृदु साबुन कहा करते हैं। आई होप ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आप सब चैनल्स पर नए हैं तो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मिलेंगे फिर हम एक आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।